हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कल की मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, अमिताभ बच्चन और दिशा पटानी स्टार मूवी कल्की को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। CBFC ने तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो रही इस मूवी को UA सर्टिफिकेट दे दिया है। सेंसर बोर्ड के कथित सर्टिफिकेट की एक कॉपी ऑनलाइन वायरल हो रही है, जिसे पता चलता है कि फिल्म को समिति ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसमें दो बदलाव किए गए हैं। फिल्म का रन टाइम भी 3 घंटे से थोड़ा कम बताया गया है। सेंसर बोर्ड भी कल की मूवी में कुछ छोटे मोटे बदलाव करना चाहते है। सर्टिफिकेट में लिखा है, शुरुआत में वॉइस ओवर के साथ एक डिस्क्लेमर डाले कि यह फिल्म काल्पनिक है और किसी भी तरह के सीन को कट करने या किसी डायलॉग को बदलने का निर्देश नहीं दिया गया है इस मूवी को। सर्टिफिकेट में 2 शब्दों को हटाने का जिक्र किया गया है, महाभारत के 6000 साल बाद के साथ 2898 AD जोड़ने के लिए भी कहा गया है। इस बदलाव के बिना मेकर्स फिल्म रिलीज नहीं कर पाएंगे। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 3 घंटे 56 सेकंड की है। फिल्म में प्रभास को कल्कि के अवतार में देखा जा सकता है, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार रहेगा, जो कलयुग के अंत में अवतार लेंगे और सबका विनाश करेंगे। दीपिका पद्मा का किरदार निभा रही है और अमिताभ बच्चन अस्वस्थामा बने हैं। कमल हसन को नेगेटिव रोल में देखा जाएगा। 19 जून को मुंबई में कल्कि का प्री रिलीज इवेंट भी हुआ, जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन भी नजर आए हैं। बाहुबली में प्रभास के साथ काम कर चुके भल्लाल देव यानी राणा दग्गुबती ने भी शिरकत की है। 20 साल की इंडियन एपिक डायस्टोपियन साइंस एक्शन मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इसे 27 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।